नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। आईजीआई एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल की छत टूटने से एक की मौत, 8 घायल, कई उड़ानें प्रभावित, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया दौरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में चर्चा, नीट परीक्षा पर विपक्ष करेगा हंगामा। देश के कई इलाकों में भारी बारिश, कहीं राहत तो कहीं आफा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना, एलजी ने दिखाई हरी झंडी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी के नाम पत्र, छात्रों के लिए कर दी बड़ी मांग। कानपुर में मंच पर बिगड़ी मंत्री संजय निषाद की पत्नी की तबीयत, कुर्सी समेत उठाकर ले गए अस्पताल। एनएचआरसी ने आगरा में 2 भाइयों की आत्महत्या पर मांगा जवाब, डीजीपी को भेजा नोटिस। चेक रिपब्लिक के नागरिक को 15 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश, नेपाल के रास्ते आया था भारत। सीएम योगी ने ओपी राजभर को तलब कर जताई नाराजगी, विधायक बेदीराम की मुश्किलें बढ़ना तय। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अमित शाह से लगाई न्याय की गुहार, 1.5 साल बाद फिर चर्चा में आया केस। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।